बच्चों को दांत निकलते समय बहुत तकलीफ होती है। दूध भी ठीक से नहीं पीता था, बच्चे बहुत चिड़चिड़ी रहते थे और ठीक से सो भी नहीं पाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इच्छा जाहिर की है कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार किया जाए, विशेषकर बच्चों के दांत निकलते समय होने वाली तकलीफों के लिए। टीथिंग स्टेज में बच्चों को होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड की शुरुआत की गई। 7 राज्यों में 36 प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। 1709 आशा और ANM वर्कर्स को प्रशिक्षित किया गया। 6 मेडिसिन वाली होम्योपैथी किट दी गई। 44 डॉक्टर और 1540 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी सेंसिटाइज किया गया। लगभग 68,484 बच्चों के चेहरों पर मुस्कान पहुंचाई गई। ये बहुत यूनिक और डिफरेंट प्रोग्राम था। बहुत सारे बच्चे होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुए। इस दवाई को हमने घर घर तक पहुंचाया है। ये मीठी है तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। बच्चों के चेहरे में एक मुस्कान देख सकते हैं आप। होम्योपैथी जो बच्चों के लिए न केवल हितकर है परंतु सुरक्षित भी है, इस कारण इन औषधियों की बच्चों में स्वीकार्यता अधिक है। आशा वर्कर्स के इस विषय में प्रयास काफी सराहनीय है। स्वस्थ बचपन मुस्कुराता भारत।